वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल, आपका सभी का मेरे चैनल पर स्वागत। आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ देख रहे हैं और एग्ज़ाम रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट जैसे ही मैंने जून जुलाई का आपको यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि कल 27 तारीख थी, कल कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ नहीं कुछ देखिए आपके पास तीन रिजल्ट्स आ गए। हमारे पास एक बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए आर्ट्स का रिज़ल्ट आ चुका है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है और बैचलर कॉमर्स 6 सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। मतलब बैचलर डिग्रीज़ के हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो कल अपलोड हो गए हैं और बैचलर ऑफ साइंस बीएससी जिसे बोलते हैं, ये तमाम रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए। और रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, बेहतरीन हैं। कुछ रिज़ल्ट्स के अंदर कमी जो आ रही है वो आरएलए की आ रही है, आरएलए और डेफिशिएंट सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, जिनके कुछ पिछले पेपर्स क्लियर नहीं है, उनके अवार्ड लिस्टें नहीं पहुंची है, उन कारण से उनके आरएलए कर दिए गए हैं। आप समझ रहे होंगे जिनके पिछले सेमेस्टर में कोई रीअपियर्स होंगी तो वो अगर क्लियर कर भी ली होगी लेकिन अभी उनके पास डाटा नहीं पहुँचने के कारण उनके आरएलए कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको दी जा रही है। और जैसे कि ओवरऑल अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो है हमारे बहुत बढ़िया आए हैं और इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। हमारे चैनल की तरफ से जैसे कि आपको अपडेट दी गई थी कि आपके रिज़ल्ट जो है अच्छे आने वाले हैं और उसी तरीके से 2 साल कोविड के बाद जब रिज़ल्ट्स आए तो आपने यही थी बच्चों को टेंशन कि भाई हमारे रिज़ल्ट्स कैसे आएंगे, तो अभी आपने देखा 4 रिज़ल्ट्स हमारे 6 सेमेस्टर के आगे हैं। इन बच्चों ने आगे एडमिशन्स लेने हैं इसलिए रिज़ल्ट्स हमारे यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है और कुछ बच्चों की जो परेशानी है वो आरएलए डेफिशिएंट की है और कुछ बच्चों की कोई टेक्निकल कारण से अवार्ड लिस्ट नहीं पहुंची है तो उनके रिजल्ट्स अभी विथहेल्ड कर दिए गए हैं, जिसे रिज़ल्ट लेटर ऑन कहते हैं आरएलए। तो इसके लिए चिंता न करें, आप यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉपर डीएमसीज हैं पुरानी जो आपके रीअपियर्स वाले पेपर वो क्लियर हो गए हैं तो वो आप वहाँ जाकर दिखा कर अपने रिजल्ट्स को आउट करा सकते हैं। तो फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यही मैंने कल भी मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स आई तो उनको मैंने यही बताया कि जो पिछले पेपर्स जैसे आपके क्लियर हो गए, कई बच्चों के एनवायरमेंटल वाला पेपर क्लियर नहीं था तो उनकी वजह से भी कईयों के आरएलए कर दिए गए। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में जाएँ अपने डीएमसीज को लेके पुराने और उनकी फ़ोटोकॉपी साथ ले जाएँ और रिज़ल्ट ब्रांच में जाके कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड को वहाँ मिले और आपका जो रिज़ल्ट है वो वहाँ पर उनको लिख के देके आएँ तो आपके रिज़ल्ट जो है जल्द ही आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। शुभ रात्रि, कल का दिन आपका मंगलमय हो। धन्यवाद।